हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम लखनऊ गए थे, एंड लखनऊ को हम संडे की रात में वापस आ गए थे। बट संडे की रात में आने के बाद फिर मंडे को मैंने कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम हो ही जाता है, वो कपड़े हो, घर हो, तो वो जो भी कुछ था वो मैंने मंडे को अपना जल्दी जल्दी फिनिश किया। उसके बाद फिर जो शाम को फिर मेरी तबीयत बिगड़ी है, तो मंडे को मेरी तबीयत बिगड़ी है, एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज थर्सडे है। संडे को थर्सडे को मैं कुछ भी शूट कर रही हूँ। 2 दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही है, मेरे पेट में इतना मरोड़ हो रहा था और ठंड इतनी लग रही थी कि मैंने 3 लेयर्स ब्लैंकेट की, टू लेयर ब्लैंकेट्स की और 1 लेयर रजाई की ओढ़ी हुई थी, फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगी थी। और मैंने 2 लेयर स्वेटर भी पहने हुए हैं और इसके नीचे इनर पहना हुआ है, फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और घर की कंडीशन तो 2 दिन में बहुत ही बुरी हो गई है, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि कानपुर में इतनी ठंड पड़ रही है। उसके बाद फिर मैंने जब खुद से झेला है 2 दिनों में, तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कानपुर में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बिकॉज़ यहाँ गंगा जी काफ़ी ज़्यादा पास में है, तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और अभी मैं आपको अपने घर की कंडीशन दिखाऊंगी कि 2 दिन से मेरे घर की कितनी बुरी कंडीशन है। बेडशीट मुझे अरेंज किए हुए, बेड अपना नीट एंड क्लीन किए हुए मुझे 2 से 3 दिन हो गए हैं। आज मैंने सुबह थोड़ा सा बेडशीट झाड़ी थी ऐसे ही हाथ से, बट बेडशीट अच्छे से मैंने 2-3 दिन से मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर पा रही हूँ। और किचन की हालत तो बहुत बुरी थी, वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने सुबह उठ करके थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और थोड़ी सी क्लीनिंग की। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से कुछ बनाया था, बिकॉज़ दवा खानी थी और दवा खाली पेट नहीं खानी थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ बना लेते हैं। तो चलिए पहले आपको अपने घर की कंडीशन दिखाती हूँ और उसके बाद फिर आपके साथ आगे की वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, स्पेशली कानपुर साइड में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ठंड लखनऊ में भी है, बट वहाँ पे थोड़ी सी धूप दिख जा रही है, पर कानपुर में कंडीशन बहुत ख़राब है। स्पेशली जो भी एरिया जो है वो जो कि गंगा नदी के पास के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। और जिस तरह से हम जानते हैं कि कानपुर क्योंकि लखनऊ की तरह नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो रही है, ऊपर से लाइट की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले आपको अपने घर की कंडीशन दिखा देती हूँ कि कितनी बुरी हालत है मेरे घर की, एंड फिर आपके साथ आगे की वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 1-2 एंड अभी वो वाइट कलर की जो है वो भी मैंने लेयर डाला हुआ था अभी सुबह तक, बट अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है मुझे। फिर भी कमज़ोरी तो बहुत है, बिकॉज़ वीकनेस इतनी हो गई है पढ़ने से। और बेड की हालत 3 दिन से ऐसे ही है, बिल्कुल भी अरेंज नहीं कर पाई हूँ मैं बेड। आज सुबह थोड़ा सा अरेंज किया था, बट फिर से वही इतनी ठंड लग रही थी कि फिर वही कंडीशन हो गई है बेड की। और इधर मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा देती हूँ। मेरे किचन की हालत तो बहुत ही बुरी है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दिन में चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और दवा भी खानी थी, तो मैंने यहाँ पे चाय और ब्रेड से दवा खाई थी। और यहाँ पे मैंने चावल दाल बनाया था, बट हिम्मत नहीं हुई मुझे बिल्कुल भी खाने की, क्योंकि ठंडा खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गर्म करने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा कि ब्रेड और चाय बना के खा लेते। और इस कमरे की बात करें तो इस कमरे में आए तो मुझे 3 दिन हो गए हैं जब से मैं लखनऊ से वापस आई हूँ। इस कमरे में तो मैंने बिल्कुल भी आई नहीं हूँ। शाम सुबह के टाइम पे जो काम वाली आती हैं वो झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और टेबल ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। 3 दिन से मुझे इतना नहीं हिम्मत हो रही है कि मैं इस कमरे में आ कर के टेबल सही से या फिर बेडशीट सही से कर पाऊँ। और पूजा तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी 3 दिन से। और अभी मैंने न्यूज़ देखा, न्यूज़ में
देख नहीं रही थी इतने दिनों से बिकॉज़। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, स्पेशली जो लोग कानपुर में रह रहे हैं, बिकॉज़ जब आपके ऊपर कोई चीज़ आपत्ति हो जाती है ना, तो आपको लगता है कि उसका असली डर क्या होता है, वो आपको तब रियलाइज़ होता है। मैं आज सुबह अपने एक रिलेटिव से बात कर रही थी, अभी सुबह के टाइम पे उनकी कॉल आई थी, तो उन्होंने कहा कि संभल के रहना, और कानपुर में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, ब्रेन अटैक के केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने उस टाइम पे तो मुझे ठंड तो मुझे लग रहा है कि जब से मेरी तबीयत ख़राब है तब से मुझे ठंड तो पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बट मैंने न्यूज़ देखना, क्योंकि मैं ठंड में इसी कमरे में, मैं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं यहाँ ही इसी कमरे में रहती हूँ, तो मैं उधर टीवी चलाती नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कंडीशन है, और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज़ ठंड एक ज़्यादा होती है और एक बहुत ज़्यादा होती है। तो कानपुर में स्पेशली जो जो भी एरिया गंगा जी के पास के हैं, वहाँ पे तो बहुत बुरी कंडीशन है ठंड की, और जो भी 50+ के लोग हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी एज या आपकी फैमिली में किसी की एज जो है वो 50 या 50+ है, और जो भी इस ऑफिस गोइंग भी हैं और घर से आपको कभी बाहर भी निकलना हो, तो पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए, और जो भी अगर आप कभी कहीं जा भी रहे हो तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके तब निकलिए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपको ठंड लगती है ना तो बहुत बुरी कंडीशन हो जा रही है। और यहाँ पे फॉग की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 7 वैसे तो पूरे दिन कोहरा नहीं छट रहा है, क्योंकि गंगा जी के पास के एरिया हैं, तो वहाँ यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोहरा छटते फिर शाम हो जा रही है, दिन में तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं छट रहा है, और शाम होते होते फिर 7 बजे से कोहरा इतना भयंकर गिरने लग रहा है कि फिर विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और बाहर से जो लोग, जैसे कि हम लोग लखनऊ से कानपुर आए थे, तो उस दिन विजिबिलिटी जो थी वो 8 बजे के करीब में बहुत ही मुश्किल हो रहा था ड्राइविंग करना, जो ड्राइवर था उसके लिए। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि कोशिश करिए कि बाहर मत निकलिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलिए, और अपने आप को कवर करके रखिए, अपने आप को हीट अपने बॉडी को देते रहिए। और बस यही छोटा सा जो अपडेट था वो मुझे आपके साथ शेयर करना था अपनी हेल्थ से रिलेटेड, और मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, वो भी आपको बताना था, और जिस तरह से मेरी आप भी थी मैं मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि आपको बता पाऊँ कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है कानपुर में, और कानपुर के आसपास स्पेशली जो भी गंगा नदी के आसपास के जो एरिया हैं वहाँ पे तो बेहद ठंड है, बेहद ठंड है, आप समझ लो कि कितनी ठंड होगी। तो रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अपना ध्यान रखिएगा, और अपनों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए इस ठंड में, और बस देखती हूँ। वैसे तो यहाँ पे जिस तरह से लखनऊ में तो ये है कि ठंड है, बट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो भी अप्लायंस जो है आजकल ठंड में, गीज़र है, हीटर है, तो ये सारी चीज़ें जो हुए हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक पे चलती है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की कटौती इतनी नहीं होती है, बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, जब हर चीज़ जो हीटर है, गीज़र है, पानी गर्म करने वाला हीटर, ये सभी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे ठंड बढ़ी है उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ी है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब बिजली आनी चाहिए उस टाइम पे बिजली कट जाती है, और
जिसकी वजह से और बुरा हाल है, और भी बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप घर में भी रहते हो तो आपको हीटर चाहिए, आपको ब्लोअर चाहिए। लोग हीटर जलाते हैं, ब्लोअर जलाते हैं। अगर लाइट ही नहीं आएगी और गीज़र ही नहीं चल पाएगा तो फिर कैसे पानी गर्म होगा, कैसे हीटर चलेगा? तो ये एक और ज़्यादा एक दिक्कत वाली बात है यहाँ पे कानपुर में, जो कि बढ़ गई है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है ठंड से। बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं कब तक ठंड ख़त्म होती है। वैसे तो न्यूज़ में दे रहे हैं कि 14 जनवरी तक अलर्ट है, बट कानपुर की कंडीशन बहुत ही बुरी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और जो लोग बाहर निकल रहे होंगे उनको पता ही होगा कि कितनी बुरी कंडीशन है। और मेरा हाथ जो है वो कैमरा पकड़े पकड़े दर्द हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अपना ध्यान रखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो का एंड करते करते कि अपना ध्यान जरूर रखिएगा एंड अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिएगा।